भाइयों और बहनों, बिहार के विकास के इन प्रयासों के बीच आपको सतर्क भी रहना है। सतर्क उन लोगों से जिनका इतिहास बिहार में जंगल राज का है। सतर्क उन लोगों से जो बिहार के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए, सिर्फ अपने परिवार के लिए जीते हैं। सतर्क उन लोगों से जिन्हें बिहार की मान मर्यादा, बिहार के मान सम्मान से कोई लेना देना नहीं। भाइयों और बहनों, बिहार की अनेकों वीर माताएं अपने लाल, अपनी लाडली को राष्ट्र रक्षा के लिए समर्पित करती है। बिहार के सूरवीर देश की सीमा, देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देते हैं, देश की रक्षा करते हैं। लेकिन बिहार को जंगल राज बनाने वालों के साथ ही उनके करीबी चाहते क्या चाहते आपको पता है? वो चाहते हैं आप भारत माता की जय के नारे न लगाएं। सोचिए, हमारा देश, हमारी भारत माता, लेकिन ऐसे भी लोग हमारे सामने हैं जो भारत मां की जय बोलने से इनको बुखार आ जाता है। सोचिए, छठी मैया को पूजने वाली इस धरती पर जंगल राज के साथी चाहते हैं कि भारत मां की जय के नारे ना लगे। वो चाहते हैं आप जय श्री राम भी ना बोले। बिहार के चुनाव प्रचार में मां भारती का जयकारा करना इन लोगों को रास नहीं आ रहा। सोचिए, बिहार में जंगल राज लाने वालों के साथियों को भारत माता से दिक्कत है। कभी एक टोली कहती है कि भारत माता की जय के नारे मत लगाओ, कभी दूसरी टोली को भारत माता की जय से सिरदर्द होने लगता है। ये भारत माता के विरोधी अब एकजुट होकर बिहार के लोगों से वोट मांगने के लिए आए। अगर उन्हें भारत माता से दिक्कत है तो बिहार को भी इन लोगों से दिक्कत है। मेरे भाइयों बहनों, ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए जिन्होंने भारत माता की जय के प्रति नाराजगी व्यक्त की है, ऐसे लोगों के मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आज यहां उपस्थित सब लोगों से मैं आग्रह करूंगा, आप पूरे जोश से मां भारती का जयकारा मेरे साथ बोलिए। दोनों मुट्ठी बंद करके बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। साथियों, मां भारती के संबंध में निकली यही गूंज आत्मनिर्भर बिहार, आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को प्रेरित करती है, प्रोत्साहित करती है।